छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा बनाए गए राजनीतिक संगठन जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 5 प्रत्याशियों के नाम हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। धरसीवा विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर अमित बघेल ने कहा कि पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से कामेश साहू, संजारी बालोद सीट से चंद्रभान साहू, जांजगीर चांपा से बीना साहू और पाली तानाखार सीट से शिवराज सिंह पैकरा को प्रत्याशी बनाया गया है। जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी यानी JCP ने इससे पहले 31 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से पार्टी ने अब तक कुल 36 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इन सभी सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त धरसीवा विधानसभा की हो रही है, क्योंकि यहां BJP से अनुज शर्मा चुनावी मैदान पर हैं। वहीं कांग्रेस से पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा अपनी ताल ठोकेंगी। ऐसे में धरसीवा से अमित बघेल को कितनी सफलता मिलती है, ये तो देखना वाकई दिलचस्प होगा। बता दें कि 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने परदेसिया बनाम छत्तीसगढ़िया का मुद्दा जमकर उठाया था। खुले तौर पर पार्टी ने भाजपा का विरोध किया और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया था, जिसका असर चुनाव परिणाम में भी देखने को मिला था। इस बार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अपनी पार्टी बनाकर खुद चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी कई विधानसभा सीटों पर अन्य राजनीतिक दलों का समीकरण बिगाड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ तक।